आज हम बनाएंगे आलू टिकिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोल्टेस किचन में। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। अभी इसे कद्दूकस कर लेंगे। अभी इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे। काला नमक डालेंगे। 1 चम्मच सादा नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। 3 हरी मिर्च लिए बारीक कट करके ये डालेंगे। 1 चम्मच तेल डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे। 1/2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अभी इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अभी हम टिकिया बना लेते हैं। इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इस तरह से सारी टिकिया बना लेंगे। तरह से मैंने टिकिया बना ली है। अभी गैस जलाएंगे। अभी टिकिया को शैलो फ्राई कर लेते हैं। धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। अभी हम इसे पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक शैलो फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिए हैं। अभी हम इसे निकाल लेते हैं।